अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और ताकत से भरपूर ये रेसिपी है। ये सिंघाड़े आए नज़र आ रहे होंगे आपको, इसको मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 बार धो लिया क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है और इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करना होता है। तो इसको हमने बॉयल कैसे करना है वो तरीका मैं आज को आपको बताऊँगी बगैर पानी के, और बहुत जल्दी ये हमारे जो सिंघाड़े हैं वो बॉयल हो जाएंगे। तो ये सर्दियों में हमें आम रेडियो पे बाज़ार में मिल रहे होते हैं और ये थोड़ा एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको घर पे भी आसानी से बॉयल कर सकते हैं। तो चले व्यूवर्स, हम यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूवर, यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं 1/2 गिलास पानी शामिल करूँगी। मैंने 1 किलो सिंघाड़े लिए हैं, उसके लिए 1/2 गिलास पानी काफ़ी होगा। फ्लेम हमने ऑन कर दी है, को हम अभी पकने देंगे, थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाए उसके बाद हमने इसमें जो है वो छलनी रख देनी है, कोई भी जो घर में अवेलेबल हो। और ये सिंघाड़े जो हमने वॉश किए थे वो हमने इसके इसी दौरान, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन को भी प्रेस करते हैं। ये हमने इस तरह से सारे सिंघाड़े को फैला लिया है, इसको अब हमने प्रेशर लगाना है। कितना प्रेशर लगाना है वो मैं अब आपको, जब ये हम प्रेशर लगाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूवर, स्टीम बनना शुरू हो चुकी है, अब हम इसको प्रेशर लगा देना है। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे विसल्स के बजने का, उसके बाद हमने टाइमिंग नोट करनी है। इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, पानी पानी सा हो जाता है, इसकी गिरी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। जी व्यूवर्स, स्टीम फुल बन चुकी है और हमारा प्रेशर जो है वो स्टार्ट हो गया है। 30 सेकेंड तक हमने ये विसल, जस्ट 30 सेकेंड हमने करना है, उसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है और अच्छी तरह इसको ठंडा होने देना है। इसी स्टीम में ये सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छी तरह से और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होंगे, जस्ट 30 सेकेंड हमने इसको कुक करना है। जो टाइमिंग का आपने जो है वो भी बहुत ख्याल रखना है, इसी की वजह से ही हमारे सिंघाड़े अच्छे से बन के तैयार होंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया, अब इसको हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, स्टीम इसके अंदर ही रहेगी और उसके बाद बिल्कुल ये मतलब सारी स्टीम खुद ब खुद निकल जाएगी, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। ठंडा हो चुके अच्छी तरह से, स्टीम निकल गई, अब हम इसको चेक करते हैं। ड्राई हैं और अच्छी तरह से ये हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसको हम चेक करते हैं। फिर इसको हमने एक चिक्कू में निकाल लिया है बाहर ताकि ये अच्छी तरह ड्राई भी हो जाए और ठंडे भी हो चुके हैं। ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैं इसको आपकी कटिंग का भी तरीका बताती हूँ। इस तरह से हमने एक साइड से इसको कट कर लेना और दूसरी साइड ले जाना, और सिंपली हमने इसको इस तरह से निकाल लेना है। बहुत आसानी से ये निकल जाएंगी, ये देखिए कितनी नीट और वाइट हमारी जो है वो गिरी बन के तैयार हुई है, बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं हुई है कि पानी पानी सा हो इसमें, देखें। बहुत आसान और इजी तरीका मैंने आपको स्टीम करने का इसको बताया है, इस तरीके को आप फॉलो करते हुए घर पर ज़रूर बनाएँ। ये सर्दियों में कुछ टाइम के लिए ही आते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसको घर पे ज़रूर लेके आएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं।